सत्र चल रहा है। इस बीच रामगढ़ बाय इलेक्शन के लिए काउंटिंग भी जारी है। पहले दौर की काउंटिंग के बाद एनडीए की प्रत्याशी सुनीता चौधरी करीबन 12,000 वोटों से आगे चल रही हैं, लिहाजा इससे कहीं ना कहीं बीजेपी उत्साहित है। हालांकि सत्ता पक्ष के लोग इस बात में खुश हैं कि अभी कई राउंड की काउंटिंग नहीं खुले हैं, तो थोड़ा समय दे। आपको उम्मीद है? हम लोग पॉजिटिव होके चलना चाहेंगे। जनता पॉजिटिव नहीं है ना आपके लिए? जनता अभी, मैंने जैसे कहा ना, पूरे बूथ से अभी खुलना बाकी है, तो थोड़ा समय दे। 12 बजे तक हम लोग देखते हैं क्या नतीजा होता है। चुनाव प्रचार में तो आप गई थी, आपको गांव से उम्मीद है कि आप लोग कह रहे हैं कि शहर का है, गांव खुलेगा तो बदल जाएगा? हाँ देखिए, बिल्कुल गांव में हम लोग डुमली प्रखंड सब में प्रचार किए हैं। वहाँ पे जो रुझान था लोगों के बीच में ऐसा था कि वो ममता देवी के तरफ है, तो अभी तो आने वाला समय ही बताएगा उस चीज़ को। अच्छा ठीक है, देखते हैं। धन्यवाद। अरे भाई सारा झूठ बोल रहे हैं। जो रुझान सामने आया है ये निश्चित तौर पर 20,000 रुझान क्या कहेंगे? मैं देखिए, हम लोग ने ये एक्सपेक्टेशन नहीं किया था, और जो परिणाम जो सामने आ रहे हैं अभी तो छठे राउंड की गिनती हुई है वहाँ पर, तो चिंता का विषय है। और अभी थोड़ा समय दीजिए, 14-15 राउंड होना है बाकी है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वेट एंड वॉच। लग रहा है कि युवाओं के जो मुद्दे थे उस पर खरा किसे नहीं उतर पाया, काम नहीं कर पाए? नहीं, बहुत सी बातें हैं जो हम मीडिया में नहीं कर पा रहे हैं लोगों में। थोड़ा अगर ये जो सामने जो आ रही है, जो लोगों ने जो निर्णय लिया है, क्यों लिया, कैसे लिया और किस परिस्थिति में लिया, ये भी पार्टी को सोचना होगा। और ममता जैसी नेत्री अगर हार जाएगी, मान लीजिए अभी तो नहीं हुआ है, जल्दीबाजी होगा, तो निश्चित तौर पर ये तो चिंता का विषय होगा पार्टी के लिए। कौन बैठे हैं घर में? तो ये लोग क्या करेंगे, इसे कामें क्या है लोग? जनता ने इनको भेज दिया है, अभी विधानसभा में दे रहे हैं धरना। देखिए, अगर 2024 में बाहर में बैठेंगे लोग, विधानसभा के बाहर में बैठेंगे। मैं कहना चाहता हूँ, लोग भाजपा के विधायकों से कहना चाहता हूँ कि राज्य के प्रति थोड़ा सा गंभीर बनिए। आप लोग सदन में बात रखिए ना, सदन में उठाइए, अगर कहीं पे गलतियाँ हैं तो सुझाव दीजिए, मिल बैठ के हम लोग तय करेंगे। आप हमारे मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कर दिया है कि आपकी जो भी समस्या है, जो भी सुझाव है, हमको दीजिए, खुला ओपन सुझाव हम लोग ले रहे हैं। उसके बाद भी आप नहीं दीजिएगा, पब्लिक में दिखाना चाहते हैं कि हम बैठ रहे हैं, कोई दिल से नहीं बैठा है, ये कैसे जांचेगा कोई? मैं डॉक्टर हूं ना जी। अरे हम बिल्कुल, मैं मनोवैज्ञानिक भी जानता हूं। ये लोग मजाक करने के लिए बैठा, पिकनिक के लिए बैठता है लोग, और फोटो खिंचवाने के लिए। मैं मीडिया से कहूंगा कि ये लोग फोटो मत छापिए, आप लोग नहीं छापिएगा नहीं बैठेगा, ये लोग छाप रहे हैं तो बैठ रहा है। जनता ने विकास के मुद्दे पर इन लोगों को विधायक बनाया है कि हमारा विधायक काम करेगा, ये क्या काम करेगा? ये लोग बार बार मजाक 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 बताइए, हमने उठा के फेंक देंगे तो अब विधानसभा चल रहा है। अच्छा, महंगाई तो दिया है लोग, ठीक है, महंगाई को लेकर क्या होगा कल गैस का दाम? देखिए बिल्कुल बिल्कुल, ये झारखंड में जिस प्रकार से 50 रुपया और जो सीएनजी जो ऑटो चालक है 250 रुपया का दाम आपने बढ़ा दिया, बोझ आपने जनता को पे दे दिया, माथे पे दे दिया, तो कहाँ है भाजपा? और किसी मीडिया में नहीं आया, कांग्रेस के जमाने में 5 रुपया सिलेंडर दाम बढ़ता था, पूरा फ्रंट में मीडिया में आता था कि 5 रुपया का सिलेंडर में वृद्धि हो गई, और यह 50 रुपया बढ़ रहा है फिर भी चुप। मैं स्मृति ईरानी जी, जो अभी कौन मंत्री है भाई? कपड़ा तो हटा दिया ना, क्या पता कितना मंत्री बदलेंगे उनको, इनको जरूर कहूँगा कि जिस तरह से आप विधानसभा में नाच कर, पार्लियामेंट में नाच कर दिखा रहे थे कि कांग्रेस ने दाम बढ़ा दिया, अब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कहाँ है वो मंत्री? आइए स्मृति ईरानी जी, आइए, मैं आपको माला पहनाऊंगा, महंगाई का माला पहनाऊंगा। जनता का खून पी लिया आप लोगों ने, आप हीरोइन है ना बहुत बड़ा, लोगों को झांसे में ले लिया आप डांस करके, ये अच्छी बात नहीं है।
आज एक एक महिला नाराज है। नियोजन को लेकर के लगातार विपक्ष सवाल उठा रही है कि सरकार की मंशा ही नहीं है नियोजन देने का, रोजगार देने का। वही चुनावी परिणाम में नतीजे आए हैं। आप क्या चाहते हैं, कैसी होगी? देखिए, नियोजन नीति हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं और सबकी राय ली जा रही है। अच्छा, हम लोग नीति बनाएंगे और हम ये कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी को जनता ने गद्दी सौंपा है यहाँ, तो यकीन मानिए, विश्वास कीजिए मुख्यमंत्री जी पर। जो अभी थोड़ा समय दीजिए और सबको लेके चल रहे हैं, युवाओं को लेके भी चल रहे हैं हम लोग, सभी वर्ग को हम लोग ख्याल रखे हैं, सभी वर्ग को लेके चल रहे हैं और इनफैक्ट हम लगता है कि हम मीडिया को भी लेके चल रहे हैं। आपने देखा होगा महामहिम ने जो भाषण सरकार में जो सरकार पढ़ाती है, जो भाषण महामहिम ने रखा है, उसमें साफ है कि हम अपने तमाम मीडिया बंधु को पेंशन देंगे, जीवन बीमा देंगे, तो सबका ख्याल हमारे मुख्यमंत्री जी ने रखा है। तो आप लोग को तो खुश होना चाहिए और भाजपा का न्यूज नहीं लगाइए, कांग्रेस का जेब का न्यूज लगाइए। तो इस तरह से आपने सुना, इरफान अंसारी साहब थे कांग्रेस के विधायक, जिन्होंने ये देखेंगे। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुल उसको ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। चार धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई माँ मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें माँ कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।